स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई न्यूज। जी हाँ, साउथ इंडियन बैंक SIB प्रोबेशनरी एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2018। जी हाँ, साउथ इंडियन बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है और ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। तो बैंक में जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसकी डिटेल्स, क्या एलिजिबिलिटी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सारा नोटिफिकेशन। चलिए, तो ये रहा साउथ इंडियन बैंक की हम साइट पर पहुंच चुके हैं और जहां पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी क्लर्क्स। ठीक है, तो यहां पर सारी वैकेंसी दी हैं आपको। यहां पर दिख रहा है प्रोबेशनरी क्लर्क्स जो कि केरला के लिए है, 340 वैकेंसीज हैं। प्रोबेशनरी क्लर्क तमिलनाडु के लिए हैं जो कि हैं 68 पोस्ट। प्रोबेशनरी क्लर्क आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उसके लिए इन्होंने निकाली 35 पोस्टेज। और प्रोबेशनरी एंड क्लर्क दिल्ली NCR के लिए निकाली इन्होंने 25 वैकेंसी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो वो है 20/12 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30/12/2017। यानी कि केवल आपके पास जो 10 दिन है, इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है जहां आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है, यहां पर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप सारी डिटेल पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है सारा नोटिफिकेशन। ये रहा, ठीक है, तो ये जो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्लर्क्स केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली NCR के लिए इन्होंने जॉब निकाली है। और एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक्स वेबसाइट www.southindianbank.com। नो अदर मीन्स मोड्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 20/12/2017। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंडेड है 30/12/2017। ऑनलाइन टेस्ट जो कि टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है कि जनवरी में ही होगा, लेकिन उन्होंने टेंटेटिव दे आपको दे दी है, वो है 2018। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं केरला 340, तमिलनाडु 68, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 35 और दिल्ली NCR के लिए 25 इन्होंने निकाली हैं। एलिजिबिलिटी जो इन्होंने रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2017 के लिए 10th SSLC, 12th HSC एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क अंडर रेगुलर कोर्सेज। एज आपके लिए जो इन्होंने रखी है वो है लेस देन 26 ईयर्स, एज ऑन 31/12/2017। कैंडिडेट शुड बी बोर्न नो अर्लियर देन 1/1/1992 एंड नॉट लेटर देन, मतलब 1997 के बाद जो हुए हैं वो नहीं, और जो 92 के पहले हुए वो नहीं। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट्स हैं कैंडिडेट हैविंग परमानेंट एड्रेस इन रिस्पेक्टिव स्टेट और दोज हु हैव बीन रेसिडिंग इन द सेम स्टेट कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 5 ईयर, मतलब 5 साल आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको रहते हुए 5 साल हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए आप, केरला के लिए इन्होंने रखा है कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा आपको ये मलयालम और सबके लिए अलग अलग, दिल्ली NCR के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, और सारा इन्होंने दे के रखा है। पोस्ट जो है वो है प्रोबेशनरी क्लर्क की, और पे स्केल उन्होंने रखा है 11,765 से, मतलब टोटल आपका 20,000 से ये स्टार्ट होगा, 31,540 रुपीज़ तक। ठीक है, और मोड सिलेक्शन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन इफ़ यू क्वालिफाई तो आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 600 और SC ST कैटेगरी के लिए दी हुई है 150। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई, तो सारा वही मोड है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 20/12/2017 से 30/12/2017 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेटेड ईमेल ID होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस नो रिफंडेबल। ओके, और एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको www.southindianbank.com पर जाकर वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया था अप्लाई ऑनलाइन के लिए, आपको ये जो साइट दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको जाना है, साउथ इंडियन www.southindianbank की वेबसाइट पर जाना, और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्रोसेस चल रही है कि आपको ये किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करके और वहाँ से आप अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये छोटी सी जानकारी थी
तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आप मेरे अदर चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साथ ही इस जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह दिखेगा, तो प्रोसीजर अभी चल रही है। ओके, तो जैसे ही आता है तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको साइट बता दी है, आप यहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।